Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्टूडेंट्स माय नेम इज़ अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू दिस इज़ माय सिक्सटीन लेक्चर यह मेरा आपराधिक विधिका सिक्सटीन लेक्चर लेक्चर नंबर 16 है जिसका टॉपिक है निष्पक्ष ट्रायल के सिद्धांत फेयर ट्रायल के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं यह yeah, इस लेक्चर के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा कि जो फेयर ट्रायल है फेयर ट्रायल है क्या और राइट टू फेयर ट्रायल को यू के अंतर्गत किस रूप में मान्यता प्रदान किया गया है आप इसको इस, इस स्क्रीन पर देखें निष्पक्ष विचारण के सिद्धांत के अंतर्गत फेयर ट्रायल क्या है यू 1948 के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत यह एक मानवाधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष विचारण किए जाने का अधिकार उसका मानवाधिकार है और फेयर ट्रायल की आवश्यक तत्व तो क्या है इसको एक एक करके मैं बताने का प्रयास करूंगा देखिए चूंकि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है 1948 का मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस उद्देश्य से किया गया कि पूरे वैश्विक स्तर पर प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते उसे समानता का अधिकार होगा उसे जीने का अधिकार होगा ऐसे उसमें करीब थर्टी तीस ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से आप सभी जानते होंगे कि यू डी एच आर नाइनटीन फोर्टी एट के अंतर्गत मानव को मानव होने के नाते एहसास कराने के लिए उसको कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें से आर्टिकल टेन जो है दस उसके अंतर्गत निष्पक्ष विचारण का अधिकार स्वमेव एक, एक मानवाधिकार है इसलिए प्रत्येक मानव का मानव होने के नाते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसका निष्पक्ष विचार सुनिश्चित हो सके यह यू के आर्टिकल दस के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है अब ये देखेंगे कि फेयर ट्रायल क्या है वास्तव में पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे यद्यपि इसकी परिभाषा किसी संविधि के अंतर्गत नहीं दी गई परंतु एक मानव को मानव होने के नाते जो बुनियादी अधिकार प्राप्त है मात्र अभियुक्त हो जाने से उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन ला देने से वह मानव की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाता मानव की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता इसलिए कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़कर भ्रमण की स्वतंत्रताओं को छोड़कर अभिभाषण एवं अभ्यक्ति की स्वतंत्रता को छोड़कर वह प्रत्येक व्यक्ति जो निर्दोष है तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका दोष न्यायालय के द्वारा साबित न कर दिया जाए इस उपधारण के तहत और इसको यूडीएचआर के आर्टिकल ग्यारह के अंतर्गत निर्दोषिता के उपधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एवरी पर्सन इज प्रज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस हिज गिल्ट इज प्रूव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए तो इस सिद्धांत के तहत हम आर्टिकल टेन और ग्यारह अगर हम यू के दो प्रावधान का अध्ययन करें आर्टिकल टेन और आर्टिकल इलेवन तो हम ये पाते हैं कि जहाँ पर यू डी एच आर की आर्टिकल टेन के अंतर्गत राइट टू फेयर ट्रायल एक मानवाधिकार के रूप में प्रदान किया गया है वहीं पर आर्टिकल इलेवन के अंतर्गत निर्दोष होने की उपधारा भी व्यक्ति का एक मानवाधिकार के रूप में प्रदान किया गया है तो यह कितना महत्वपूर्ण अधिकार है इसको आप इसी तरह से समझ सकते हैं फेयर ट्रायल का कि यह यू डी एच आर के अंतर्गत भी रिकग्नाइज़ किया गया है तो हमने उसी अंतर्राष्ट्रीय हमारी भी जो भारतीय विधिक प्रणाली है इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए दन प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और हमारी जो भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रशासन है उसके अंतर्गत भी अभियुक्त को निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसके निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए हमने भी भारतीय संविधान के अंतर्गत और संविधियों के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रयास किया है और हम करते रहे हैं हम इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत वे कौन से प्रावधान हैं जो अभियुक्त को फेयर ट्रायल निष्पक्ष बेचाण की बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे तो उस भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत भी संविधान के आर्टिकल 20 दो के अंतर्गत भी संविधान के आर्टिकल 20 एक तीन के अंतर्गत भी ये प्रावधान इन प्रावधानों को हम कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम आप देखें कि आर्टिकल बीस एक क्या है तो संविधान के आर्टिकल बीस, बीस एक जो है वह भी कहीं कहीं फेयर ट्रायल से जुड़ा हुआ है वह क्या है संविधान के आर्टिकल बीस एक जो है वह एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से प्रोटेक्शन देता है कि जो कार्य अब जो किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए हम अपराधी नहीं ठहरा सकते जो जिस उसके द्वारा किया गया कार्य उस तारीख और समय पर अपराध नहीं था तो हम बाद में कानून बना करके उसके पश्चात उसके जो है पूर्ववर्ती कार्य को जो कि कार्य करते समय वो अपराध नहीं था हम उसके पूर्ववर्ती कार्य को अपराध नहीं बना सकते हैं तो इसलिए यह संविधान के आर्टिकल बीस तीन में एक प्रकार बीस एक में प्रोटेक्शन दिया गया वो भी संविधान का एक मौलिक अधिकार है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज दूसरा है आप देखते होंगे संविधान के आर्टिकल बीस दो के अंतर्गत है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे एक अपराध के अंतर्गत पहले ही अभियोजित और दंडित किया जा चुका है पुनः उसका अभियोजन और प्रोसिक्यूशन और उसी अपराध के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता है हम इस संविधान की आर्टिकल बीस दो को आप देखें कि कैसे यह फेयर ट्रायल से जुड़ा हुआ है कि राइट संविधान की आर्टिकल 20 क्लॉज टू वह भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन की बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत उस धारा के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि दोहरे दंड से प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा तो ये संविधान का आर्टिकल जो बीस दो है ये भी सेकेंड प्रॉसिक्यूशन पर सेकेंड ट्रायल पर एक प्रकार से सेम ऑफेंस के लिए सेम एक्यूज को सेकेंड ट्रायल पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाता है उसके अगेंस्ट एक प्रकार से प्रोटेक्शन देता है तो जैसे ही किसी भी व्यक्ति को जिसे पहले ही उसे किसी अपराध में अभियोजित और दोषिध प्रदान की गई है पुनः अगर उसी अपराध के लिए उसका पुनः ट्रायल होता है बिछाण होता है तो निश्चित रूप से यह फेयर ट्रायल नहीं होगा और ऐसा अभियुक्त भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 दो का लाभ लेते होंगे वह न्यायालय के समक्ष इस बात का तर्क ले सकता है कि उस अभियुक्त को उसी मामले में पहले ही न्यायालय के द्वारा दोषिध किया जा चुका है और यह संविधान के आर्टिकल बीस दो उसको यह संरक्षण प्रदान करती है कि एक ही अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित न किया जा सके इस प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार दोहरे दंड से संरक्षण संविधान के आर्टिकल बीस दो में दिया हुआ है यह लैटिन सूत्र पर आधारित है निमो निमोजूड्स विक्स वैक्सारी करके किसी भी नो वन कैन बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस जिसका अंग्रेजी में अर्थ यह है कि निमो निमोविक्स वैक्सारी करके नो वन कैन बी वैक्स twice, वस मतलब होता है परेशान करना। नो no one वन कैन बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम किसी भी व्यक्ति को हिंदी में अर्थ उसका है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार से संविधान के आर्टिकल बीस एक के अंतर्गत संविधान भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस दो के अंतर्गत और संविधान के आर्टिकल बीस तीन के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन का एक वो भी संविधान के जो आर्टिकल बीस हैं उसमें तीन प्रकार के संरक्षण की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा किसी भी व्यक्ति uh, को जो किसी अपराध में अभियुक्त है उसको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश करते हुए और उसी के स्टेटमेंट के आधार पर उसको दोषिद्ध किया जाता है तो यह भी फेयर ट्रायल नहीं माना जा सकता है किसी भी ट्रायल कोर्ट को ये पावर नहीं है कि व किसी भी ऐसे अभियुक्त से उस कथन को करने के लिए उस कथन के आधार पर उसको कन्विक्ट कर दे जिसको कि पुलिस ने अन्वेषण के दौरान उसे आ, अंडर कंपल्शन कन्फेस कराया है तो ये देखें जो शब्दावली यूज की गई है संविधान के आर्टिकल बीस तीन उसको मैं अगर पढ़ूं तो जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि नो पर्सन हु इज़ एक्यूज ऑन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अपराध में अभियुक्त है उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा तो यह संविधान के आर्टिकल बीस तीन किसी भी व्यक्ति को कंपल्सिव विटनेस व्यवस्था के अधीन प्रलोभन के अधीन ओ, या किसी धमकी के अधीन भय के अधीन अभियुक्त का किसी भी व्यक्ति का अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है तो यदि ऐसा किया जाता है तो संविधान के आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन होगा ये तीन इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के फेयर ट्रायल को सुनिश्चित करते हैं अब आते हैं कि जो निष्पक्ष विचारण है फेयर ट्रायल है उसके आवश्यक कंपोनेंट क्या हैं उसके आवश्यक घटक क्या हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सही जानकारी नहीं हो तब तक वो अपना बचाव नहीं कर सकता है प्रभावी ढंग से अपना बचाव नहीं कर सकता है इसलिए प्रत्येक गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को यह प्राधिकारी का यह विधिक कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तारी की गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित करे बताए कि अनहार्ड ग्राउंड ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाई दैट अथॉरिटी पुलिस का यह विधिक कर्तव्य है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा पचास के अंतर्गत यह विधिक दायित्व द्रोपित किया गया है पुलिस पर कि पुलिस प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित करे और ये बताए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित करे और गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित न करना यदि जमानती अपराध है तो अपराध के प्रकृति के विषय में बताए कि वह अपराध जमानती है यदि वह जमानत देने को तैयार है तो पुलिस के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा नेचर ऑफ ऑफेंस अभियुक्त का जमानती है जमानती है यह भी बताने का दायित्व तो विधिक दायित्व तो है पुलिस पर जिससे कि जिस वो अब यदि धारा पचास की हम बात करें तो ये तो पुलिस के द्वारा पुलिस को एक लीगल ऑब्लिगेशन है पुलिस पर कि वह गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित करे साथ ही साथ आप ये देखें कि न्यायालय को भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने की जो जवाबदेही है कि चार्जशीट आ जाने पर न्यायालय अगर संज्ञान लेता है अपराध में तो ऐसा न्यायालय संज्ञान लिए जाने के पश्चात उस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करेगा जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है सेक्शन टू से लेकर के दो चौबीस तक के जो प्रावधान है जिसको हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का तय किया जाना कि प्रोसीजर के विषय में बात की गई है तो आरोप तय करने का उद्देश्य आपराधिक न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को उस अपराध के विषय में संक्षिप्त सूचना दिया जाना है जिससे वह अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत हो सके और न्यायालय के समक्ष जब विचारण प्रारंभ हो ट्रायल प्रारंभ हो तो अपना बचाव प्रभावी तरीके से वह डिफेंस वहाँ पर ले सके यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका ट्रायल उसका विचारण निष्पक्ष होगा यह सुनिश्चित करने के लिए जो प्री ट्रायल प्रोसीजर है जो विचारण प्रा, प्रारंभ होने के पहले की प्रक्रिया है वह ट्रायल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फेयर ट्रायल का होना यदि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विषय में संक्षिप्त जानकारी आरोप तय करने के माध्यम से न्यायालय के द्वारा नहीं दी जाए और सीधे संज्ञान के पश्चात अभियुक्त का ट्रायल कर दिया जाए तो यह निश्चित रूप से अन्याय होगा इस, इसलिए फेयर ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय विचारण प्रारंभ होने के पूर्व न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिए जाने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोप की सूचना दिया जाना आरोप तय कहलाता है चार्ज फ्रेमिंग कहलाता है तो चार्ज फ्रेमिंग का जो उद्देश्य है आरोप तय करने का जो उद्देश्य है वह अभियुक्त को उस आरोप के विषय में सूचना प्रदान करना न्यायालय के द्वारा न्यायालय आरोप तय करने के माध्यम से अभियुक्त को संसूचित करता है कि उ, किसी तारीख और समय पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और अभियुक्त ने किसी तारीख और समय पर यह अपराध किया है तो यदि अभियुक्त अपना बचाव उस आरोप के माध्यम से अगर अपना बचाव करना चाहता है प्रभावी बचाव करना चाहता है पूरे पूरी सूचना प्राप्त होगी तो अपने पक्ष में गवाह साक्षियों को न्यायालय के समक्ष ट्रायल प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत कर सकता है यदि आरोप की सूचना नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से अभियुक्त अपना बचाव प्रभावी तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं कर सकता है वे कौन से कंपोनेंट हैं फेयर ट्रायल की आवश्यक तत्व तो क्या है इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत कि फेयर ट्रायल के इम्पॉट आवश्यक तत्व तो क्या है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं किस आधार पर हम कहेंगे कि यह ट्रायल फेयर हुआ है किसी भी आपराधिक न्यायालय के द्वारा विचारण को फेयर कहने के लिए निष्पक्ष करने के लिए बुनियादी क्या क्या आवश्यकताएं हैं मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि देखें छाण प्रारंभ के ठीक पूर्व आपराधिक न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि सेक्शन 207 जीरो का अनुपालन हुआ है कि नहीं है सेक्शन 207 जीरो का कंप्लायंस करना फेयर ट्रायल के प्रारंभ होने की प्राथमिक शर्त है यदि 207 का कंप्लायंस नहीं करता तो निश्चित रूप से आपराधिक मामलों में जो ट्रायल हुआ है विषाण हुआ है वह ट्रायल फेयर नहीं कहा जाएगा निष्पक्ष नहीं कहा जाएगा तो देखते हैं कि सेक्शन टू जीरो सेवन आपराधिक मामलों में कितना इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है जिससे कि अभियुक्त को संक्षिप्त सूचना दी जाती है अपराध घटित होने के विषय में आप देखें स्लाइड के माध्यम से मैंने उसको समझने समझाने का प्रयास किया है तो विचारण प्रारंभ होने के ठीक पूर्व किसी भी प्रकार के ट्रायल हो चाहे वह सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हो या मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मामले का ट्रायल प्रारंभ होना हो प्रारंभ के ठीक पूर्व आपराधिक न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना पहला कि क्या अभियुक्त को एफ की कॉपी निःशुल्क प्रदान की गई है यफ की कॉपी का निःशुल्क प्रदान किया जाना अभियुक्त को यह एक विधिक जवाबदेही है अभियुक्त को एफ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि उसके विरुद्ध किसी तारीख और समय पर किसी अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है दूसरा अब देखें मैंने इसको स्क्रीन पर ही लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस अभियोजन साक्षियों की सूची को बताने का प्रयास किया है कि सेक्शन 207 का कंप्लायंस आपराधिक न्यायालय के द्वारा विषाण प्रारंभ के पूर्व करने का क्या क्या मतलब होता है कितना महत्वपूर्ण है तो उसको आप देखें कि पहले है कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल प्रारंभ होने के पहले ट्रायल का मतलब यहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिए जाने के पश्चात आरोप तय करने के पश्चात न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक रूप से फॉर्मली औपचारिक रूप से उसके दोषी या निर्दोष होने के विषय में न्यायिक कार्रवाई को प्रारंभ किया जाना यह विशाण ट्रायल कहलाता है ट्रायल के अंतर्गत जब ट्रायल प्रारंभ होगा उसी क्षण प्रत्येक ट्रायल कोर्ट विशाण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि क्या अभियुक्त को एफ आई आर की निःशुल्क कापी उपलब्ध कराई गई है एक दूसरा क्या अभियुक्त के विरुद्ध जितने भी साक्षी हैं गवाह न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए आ रहे हैं क्या उन अभियोजन साक्षियों को हम जिसको हिंदी में सरकारी गवाह बोलते हैं अभियोजन साक्षियों की प्रासिक्यूशन विटनेस की जिसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा एक के अंतर्गत है क्या लिस्ट ऑफ़ प्रोसिक्यूशन उसको उपलब्ध हो गया है या धारा 164 के अंतर्गत यदि कोई बयान है तो धारा 164 के अंतर्गत का बयान जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जाता है हम जिसको कलमबंद बयान बोलते हैं वन सिक्सटी फोर के अंतर्गत यदि अपराध पीड़ित या अपराध पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष स्टेटमेंट दर्ज कराया है तो उसकी भी प्रति अभियुक्त को विचारण प्रारंभ होने के ठीक पहले उपलब्ध कराया जाना एक विधिक बाध्यता है चौथा आरोप पत्र की एक प्रति पुलिस अन्वेषण करने के पश्चात या फाई लाज होने के पश्चात अन्वेषण कर समाप्ति की जो एक पुलिस की एक कंक्लूजन रिपोर्ट है अन्वेषण समाप्ति के पश्चात पुलिस के द्वारा तैयार की गई पुलिस रिपोर्ट चार सीट भी अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना यह यह अभियोजन की जवाबदेही है विधिक जवाबदेही है लीगल ड्यूटी है यह समस्त दस्तावेज अभियुक्त को प्रदान करने का उद्देश्य क्या है यह उद्देश्य वही है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए इस प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस निर्दोषिता की उपधारणा जो बेसिक ह्यूमन राइट है मानवाधिकार है कि मात्र किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन पंजीकृत कर देने से वो अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए इसी उपधारणा के तहत प्रत्येक आपराधिक प्रत्येक अभियुक्त को वे समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं जो वह अपने निर्दोष होने का प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके इस उपधारणा के तहत प्रत्येक अभियुक्त को आपराधिक मामले में न्यायालय के द्वारा यह दस्तावेज उपलब्ध कराना न्यायालय का भी विधिक दायित्व है लीगल ड्यूटी है इसलिए मैंने आपको एक प्रारंभ में ही बताने का प्रयास किया कि कैसे फेयर ट्रायल भिषारण कैसे फेयर होगा जब तक कि इन प्रारंभिक प्रक्रियाओं का प्रारंभ जो ट्रायल प्रारंभ होने के पहले जो प्राइमरी स्टेजेज हैं प्राथमिक जो चरण हैं उन प्राथमिक चरण को यदि पालन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो ट्रायल होगा वह भी सही नहीं होगा और ट्रायल के पश्चात जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट कहीं ना कहीं दूषित होगा उस रिजल्ट को भी हम कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं कर सकते हैं इसलिए न्यायालय के द्वारा ट्रायल कंडक्ट करना और ट्रायल कंडक्ट करने के पश्चात एक निष्कर्ष पर पहुंचना वह तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक कि न्यायालय के द्वारा विचारण प्रारंभ होने की पूर्व की जो कार्रवाइयाँ हैं प्रारंभिक जो अपेक्षाएँ हैं रिक्वायरमेंट हैं उस प्रारंभिक अपेक्षाओं पर न्यायालय खरा नहीं उतरता है इसलिए प्रत्येक आपराधिक न्यायालय के लिए चाहे वह सत्र जिला सत्र न्यायालय हो चाहे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो प्रत्येक आपराधिक मामले में जिसमें चार्जशीट पुलिस ने की है उस प्रत्येक चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज हुए मामले में प्रत्येक आपराधिक न्यायालय के द्वारा यह विचारण प्रारंभ करने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा क्या कि क्या अभियुक्त को एफ की कापी उपलब्ध की गई है क्या अभियुक्त को सरकारी गवाहों की सूची उपलब्ध कराई गई है क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए गए बयान को अभियुक्त को उपलब्ध कराया गया है क्या पुलिस के द्वारा तैयार की गई चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट अभियुक्त को उपलब्ध कराया गया है या नहीं कराया गया क्योंकि ये वही दस्तावेज हैं ये वही प्रासंगिक दस्तावेज़ हैं जिन जिन दस्तावेजों के माध्यम से अभियुक्त अपना बचाव कर सकता है न्यायालय में अभियुक्त यह जान सकता है कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो उसके विरोध में गवाही देने के लिए न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं जिन्होंने अभियुक्त को अपराध करते हुए देखा है अभियुक्त अपने बचाव में अपने साक्षियों गवाहों के माध्यम से इस बात को खंडित कर सकता है कि जो व्यक्ति अभियोजन की तरफ से साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत हो रहे हैं वे सभी व्यक्ति घटनास्थल के दिन घटनास्थल से कहीं अन्यत्र दूर हैं अभियुक्त को अगर इस बात का प्रमाण पत्र मालूम हो जाए अभियुक्त अपने संसाधनों के माध्यम से अपने स्रोत के माध्यम से यदि ये साक्ष न्यायालय में साबित कर दे कि जो सरकारी गवाह अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस तारीख और समय पर अभियुक्त को पहचानने की बात कर रहे हैं उस तारीख और समय पर वह घटना स्थल पर उपस्थित थे ही नहीं और इस प्रकार का अगर कोई एविडेंस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त ला देता है तो निश्चित रूप से अभियोजन की जो पूरी कहानी है जो पूरी स्टोरी है उसमें निश्चित रूप से अभियुक्त एक होल एक छेद करने में सफल हो जाएगा और अभियोजन की पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन सरकारी पक्ष की पूरी दलील निश्चित रूप से वह अभियुक्त के विरोध हो अभियुक्त के पक्ष में हो जाएगी और अभियुक्त इस प्रकार से संदेह का लाभ लेते हुए दोषमुक्त हो सकता है इसलिए अभियोजन पक्ष की भी ये जवाबदेही है कि अभियोजन की स्टोरी में कहीं पर कोई लोप होल न हो कहीं कोई डाउट न हो उस एक रंच मात्र का भी संदेह न हो इसलिए अभियोजन भी यह चाहता है कि समस्त और आ, विषाण प्रारंभ होने के पूर्व अभियुक्त को ये समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाए जिससे कि अभियुक्त विचारण के समय किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने का दावा न्यायालय में न कर सके और विषाण को लिंगारान न कर सके विचारण को कुछ समय के लिए विलंब न कर सके तो यह फेयर ट्रायल का जो सबसे आवश्यक तत्व तो है मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक आपराधिक मामलों में विषाण प्रारंभ होने के पूर्व आपराधिक न्यायालय के द्वारा किन किन दस्तावेजों को अभियुक्त को उपलब्ध कराना आवश्यक है वरना वह ट्रायल निष्पक्ष नहीं कहा जाएगा फेयर ट्रायल नहीं कहा जाएगा तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताए जिससे कि आप तो ये स्टैचूटरी रिक्वायरमेंट है स्टैचूट कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत ये अपेक्षाएँ हैं भारतीय संविधान की कुछ अपनी अपेक्षाएँ हैं फेयर ट्रायल के लिए जो मैंने आप आपको संविधान के आर्टिकल बीस एक दो तीन के माध्यम से बताने का यास किया है अब देखते हैं कि अन्य कौन से प्रावधान हैं जो फेयर ट्रायल की बात करते हैं आप कोई भी अभियुक्त अपना बचाव डिफेंस तब तक अच्छे तरीके से नहीं कर सकता जब तक ये प्रसमस्त दस्तावेज जो मैंने अभी जस्ट बताए ये समस्त दस्तावेज एफ आई आर की कॉपी प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट चार्जशीट की कॉपी पूरी इंफॉर्मेशन उसको उपलब्ध न करा दी गई हो और अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 303 के अंतर्गत अपने मनपसंद के अधिवक्ता से विधिक परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है वहीं पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत 22 एक के अंतर्गत जो यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने की संवैधानिक बाध्यता है दूसरी तरफ संविधान के आर्टिकल बाईस में ही प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद अधिवक्ता से विधिक परामर्श करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है और यह प्रावधान सीआरपीसी के धारा 303 में भी दिया गया है कि किसी भी आपराधिक मामले का ट्रायल विचारण बिना उसको अभियुक्त उपलब्ध बिना उसको वकील बिना उसको अधिवक्ता उपलब्ध कराए नहीं हो सकता है इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण आपने अजमल कसाब मामले को देखा होगा अजमल कसाब के मामले में अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत जो हमारी ब्यूटी है जो हमारी भारत के आपराधिक न्याय प्रशासन की जो मजबूती है वह मजबूती यह है कि अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत सरकार के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त कराया गया इसलिए जानते हुए कि समस्त साक्ष्य उसके विरोध में है अगर आप ये देखें तो उसमें न तो अन्वेषण की आवश्यकता थी पूरा साक्ष्य उसके अगेंस्ट था पूरा देश उस देख रहा था कि वह आतंकवादी है उसने हत्या किया है वह हत्यारा है बावजूद उसके लिए उन सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया जो जिन औपचारिकताओं का पालन एक अभियुक्त के लिए आपराधिक आपराधिक कोर्ट करने के लिए विवश है बाध्य है आप ये देखें कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि उस अजमल कसाब को भी एफ आई आर की निःशुल्क कापी दी गई अभियोजन साक्षियों की लिस्ट उसको दी गई कि कौन से व्यक्ति उसके विरुद्ध गवाह देने के लिए आ रहे हैं पुलिस के द्वारा तैयार की गई चार्जशीट भी अजमल कसाब को उपलब्ध कराया गया उसके पश्चात उसकी तरफ से जो भारतीय अधिवक्ता एडवोकेट न्यायालय में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण प्रारंभ होने के समय बहस दे बहस में भाग लिए ट्रायल में भाग पार्टिसिपेट किए उन लोगों ने पूरी मजबूती से अजमल कसाब को बचाने का भी प्रयास किया ये जानते हुए कि अपराधी है ये आतंकवादी है बावजूद उसके वह व्यक्ति भी हमारी देखें कितना कि प्रिजम्सन आप इन्होंने वह भी निर्दोष है जब तक उसका दोष उच्चतम न्यायालय के समक्ष साबित ना हो जाए पूरी प्रक्रिया का पालन उस केस में किया गया कि सत्र न्यायालय के द्वारा अजमल कसाब को मृत्यु दंडादेश दिया गया ट्रायल समाप्ति के पश्चात मृत्यु दंडादेश दिया गया फिर उसने अपील किया हाई कोर्ट में अपील न्यायालय ने भी उस दंडादेश को हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी उसके मृत्युदंडादेश को अपर्म किया पुष्टि किया पुनः अब उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है इस बात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसके निर्णय में कुछ उस मामले में कोई ढिलाई परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी उस अजमल कसाब के मृत्यु दंडादेश को बरकरार रखते हुए उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया डेथ सेंटेंस दिया गया और अंतोगत्वा उसे फांसी की सजा दी गई महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था अजमल कसाब के मामले में वह फेयर ट्रायल का है आप देखें कितने इतने इस आतंकवादी को भी भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत फेयर ट्रायल दिया गया निष्पक्ष बिछाण दिया गया वो जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था अब इसमें देखें स्क्रीन के माध्यम से मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि विचारण के समय निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत है 304 सौ के अंतर्गत है राइट टू तो फ्री लीगल एड आपराधिक मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार क्या होगा प्रोसीजर क्या होगा ये अभी उसकी बात करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेशन राइट टू लीगल एड यह सी के सेक्शन थ्री थ्री में दिया हुआ है ये मैंने लिखा है विधिक सहायता ये सभी छात्रों को स्क्रीन पर आप देखें तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है माइनू डिफरेंस है फ्री लीगल एड एंड लीगल एड मैंने बार बार ये बताता हूँ छात्रों को कि सेक्शन 303 जीरो में फ्री लीगल एड की बात की गई है लीगल राइट टू लीगल एड एंड राइट टू फ्री लीगल एड दोनों के लाभार्थी अलग हैं दोनों के बेनिफिशरी अलग हैं राइट टू फ्री लीगल एड केवल और केवल वह व्यक्ति ले सकता है जो निर्धन है जो गरीब है आपराधिक मामलों में सेक्शन 304 जीरो के अंतर्गत दिया गया राइट टू लीगल एड ये सभी व्यक्ति का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट भी है और स्टैचूट्री राइट भी है तीन सौ तीन सी आर पी सी के अंतर्गत और संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी टू के अंतर्गत मैंने नीचे भी लिखा है स्क्रीन पर स्पीडी ट्रायल शीघ्र तर विषाण का अधिकार भी यह फेयर ट्रायल का एक आवश्यक तत्व तो है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यदि न्याय विलंब से हो रहा है तो न्याय न मिलने का न्याय न मिलने के समान है मैंने फेयर ट्रायल के अंतर्गत जो बताया था कि आरोप की सूचना चार्ज की सूचना आरोप की सूचना का उद्देश्य क्या है अभियुक्त को एफ की प्रति का उद्देश्य क्या है अभियोजन साक्षी जो लिस्ट है उसको देने का उद्देश्य क्या है मैंने एक बताया कि निर्दोषता की उपधारणा क्या है यू डी एच आर नाइनटीन फोर्टी एट के अनुच्छेद ग्यारह में दिया गया है इसको भी आप देखेंगे ध्यान देंगे ये हो सकता है बहुत जल्दी हो रहा हो बोलने में इसमें बहुत शीघ्रता हो रही हो लेकिन आप लोग स्क्रीन के माध्यम से आप देखें कि आर्टिकल ग्यारह के अंतर्गत इलेवन के अंतर्गत जो निर्दोषता की उपधारणा में बता रहा था प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए और इस प्रकार का जो प्रावधान है यह ह्यूमन राइट है दिस इज ह्यूमन राइट यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोविजन कि यह अधिकार मानवाधिकार है और इसको यू के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस तो एवरी अथॉरिटी इज बाउंड इवन कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दैट पर्सन इज इनोसेंट हुज कम बिफोर द कोर्ट जो न्यायालय के समक्ष आया हुआ है वह व्यक्ति व्यक्ति निर्दोष है अब दोष उसका दोष साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो यह कहता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो चूंकि आपराधिक मामलों में अभियोजन सदैव साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है प्रोसिक्यूशन पर होता है बड एन आ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन टू तो प्रूव दैट अक्यूज हैज कमिटेड दिस ऑफेंस अभियुक्त ने अपराध किया है यह साबित करने का भार अभियोजन पर होता है तो ये आरोप की सूचना का उद्देश्य हमने बताया कि यह क्या है फेयर ट्रायल के समक्ष अब ये देखें कि विचारण के समक्ष निष्पक्ष विचारण की आवश्यकताएं क्या हैं एट द टाइम ऑफ ट्रायल व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए फेयर ट्रायल विचारण यदि प्रारंभ हो गया बहस प्रारंभ हो गई न्यायालय के समक्ष तो उस समय वे कौन सी आवश्यकताएं हैं विधिक आवश्यकताएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन इन आवश्यकताओं का यदि पालन नहीं किया गया तो पूरी की पूरी जो कार्रवाई है पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है हम उसको फेयर ट्रायल नहीं कर सकते निष्पक्ष विषाण नहीं कर सकते तो ये आप स्लाइड के माध्यम से देखें पहला मैंने एक प्रावधान लिखा है सेक्शन 273 273 एंड 299 सीआरपीसी के अंतर्गत और अब दूसरी तरफ मैंने लिखा है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार खत्री बनाम बिहार राज्य हाँ विधिक सहायता का अधिकार और इसको मैंने तो लेते हैं कि विचारण के, के समय विचारण के समय निष्पक्ष विचारण की आवश्यकताएँ क्या हैं एट द टाइम ऑफ ट्रायल क्या फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट क्या है तो मैंने इसमें लिखा है सेक्शन 273 सेवेंटी थ्री अब सेक्शन 273 सेवेंटी थ्री में प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त के स्टेटमेंट को उसकी उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा अब ये देखें इस इतना इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि प्रत्येक ट्रायल कोर्ट के द्वारा अभियुक्त अक्यूज एक एक के स्टेटमेंट को दैट स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाई ट्रायल कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज नॉट इन द दबेंस ऑफ अक्यूज ऐसा इसलिए है कि अभियुक्त के उपस्थिति में यदि उसके कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसकी पूरी की पूरी कार्रवाई फेयर होगी निष्पक्ष होगी और अभियुक्त अपीली न्यायालय में उससे बड़े न्यायालय में यदि बात लाता है केस लाता है कि अधीनस्थ उससे निचली न्यायालय में उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया गया जो वो एबसेंट था अनुपस्थित था उस समय उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया तो न्यायालय उसके स्टेटमेंट को नहीं मानेगी अब एक्यूज के स्टेटमेंट को उसकी उपस्थिति में रिकॉर्ड करने का क्यल और क्य मतलब है कि उस अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करना यदि वह अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता है बचाव में कुछ कहना चाहता है तो ट्रायल कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देता है उस अभियुक्त को कि यदि वह अपने पक्ष वह अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता है तो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के समय जब उपस्थित होगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय तो वह अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष कुछ कह सकता है इसलिए अभियुक्त के कथन को न्याय अभियुक्त के कथन को ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसकी उपस्थिति में ही दर्ज किया जाना चाहिए अब एक अपवाद उसका है 299 उसी में सेक्शन 273 CRPC को सेक्शन 299 के साथ हमेशा पढ़ा जाता है उसका कारण केवल यह है कि जहां पर सीआरपीसी की धारा 273 यह प्रावधान करती है कि अभियुक्त के कथन को उसकी उपस्थिति में न्यायालय के द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा वहीं पर धारा 299 सीआरपीसी का यह प्रावधान करती है कि अभियुक्त की, की अनुपस्थिति में भी उसके कथन को लिखबद्ध किया जा सकता है अपवाद स्वरूप अपवाद एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इसलिए दिया गया उदाहरण के तौर पर समझें जैसे बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड प्रमुख अभियुक्त दाऊद इब्राहिम है तो दाऊद इब्राहिम टाइगर मेनन ये बॉम्बे ब्लास्ट में ये सम्मिलित थे बॉम्बे ब्लास्ट में कई 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 लोग मारे गए अब जब, 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 जब 6 दिसंबर उन्नीस की बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड के पश्चात बॉम्बे में बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ उस बॉम्बे बम ब्लास्ट में कई व्यक्ति मारे गए और उसका प्रमुख अभियुक्त दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में बैठा हुआ और उसने भारत में इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया तो उसमें जो लोग भारत में पाए गए पकड़े गए टाइगर मेमन इस प्रकार से उसके और सहयोगी उनको उनकी उपस्थिति में उनको दोषी मानते हुए उन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई परंतु एक अभियुक्त जो दूर बैठा हुआ उस पूरे सड़ंध को पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया दाऊद इब्राहिम उसके स्टेटमेंट को उसके अनुपस्थिति में भी रिकॉर्ड कर दिया गया उसके सहयोगी के स्टेटमेंट के आधार पर उसके सहयोगी टाइगर मेमन के द्वारा कहा गया कि इस घटने का प्रमुख जो अभियुक्त है वह दाऊद इब्राहिम है तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर ऐसे अभियुक्त के स्टेटमेंट को जो अनुपस्थित है न्यायालय मानते हुए रिकॉर्ड करते हुए कभी भी जब कभी भी भारत में दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण सुनिश्चित होगा और मृत्यु के मरने के ठीक एक दिन पहले भी अगर भारत में दाऊद इब्राहिम जैसे व्यक्ति को लाया गया तो निश्चित रूप से मानिए कि उनका ट्रायल पुनः होगा और उस मामले में उसी बॉम्बे उसी बॉम्बे दंगे के आधार पर उनको दोषिध किया जाएगा बताने का जो मैं प्रयास ये कह रहा था कि अपराध चाहे कितना भी पुराना हो समय कितना भी लगा हो पचास वर्ष भी बीत गए हों लेकिन अगर अभियुक्त पकड़ में आ गया अरेस्ट हो गया गिरफ्तार हो गया तो मरने के एक दिन पहले भी उसका ट्रायल आपराधिक मामले में हो सकता है बसरते कि उसको गिरफ्तार करके भारत में यदि उसका प्रत्यर्पण होता है तो निश्चित रूप से उस मामले में जो उन्नीस का वह वा वांछित अभियुक्त है उस उन्नीस के वांछित अभियुक्त के विरुद्ध भी हत्या का मुकदमा चलेगा और उसको दंडित किया जाएगा तो इसमें कोई रंशय उसमें कोई शक संदेह नहीं है अब देखें जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि अभियुक्त की उपस्थिति में कब स्टेटमेंट उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना कब उसके अब अनुपस्थिति में स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है अपवाद स्वरूप फेयर ट्रायल के कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टैचूट्री प्रोविजन्स हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया अब नेक्स्ट इसको देखें सी की धारा एक सौ एक सी के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जब किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वयं कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं की सूचना के आधार पर अपने जानकारी के आधार पर किसी अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान ले लेता है अगर वह कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष कोई व्यक्ति अपराध कर देता है स्वयं उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के विरुद्ध वह वा, वह गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को है कहता है कि इसको अरेस्ट टीम गिरफ्तार कर लेता है और स्वयं उस मामले में वह चश्मदीद गवाह भी है न्यायिक मजिस्ट्रेट और उसी मामले में वह अपने न्यायालय कोर्ट में मंगा करके उसकी केस को ट्रायल करने लगता है तो आप ये समझें निश्चित रूप से वह न्यायाधीश भी समाज का एक सामाजिक प्राणी है तो निश्चित रूप से वह बायस्ड हो सकता है क्योंकि उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही वह अपराध घटित हुआ है अभियुक्त को वह हसने अपराध करते हुए देखा है स्वयं उसी मामले में वह संज्ञान भी न्यायाधीश ने लिया है तो यह बहुत संभव है कि न्यायाधीश जब उसी अभियुक्त का अपने ही कोर्ट में ट्रायल करेगा विचार करेगा तो पक्षपात वो बायज हो सकता है उसको पनिशमेंट ज़्यादा दे सकता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए जब ऐसी स्थितियाँ आएँ तो भी सी सी के अंतर्गत धारा एक सौ नब्बे एक गौ के अंतर्गत यह पावर दिया गया है कि जहाँ पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्वयं की जानकारी के आधार पर किसी अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेता है वहाँ पर वह न्यायाधीश उस मामले का ट्रायल नहीं करेगा और ट्रायल से रोका गया है केवल केवल और केवल इसलिए फेयर ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जनमानस में रंच मात्र भी न्याय के प्रति न्याय के प्रति संदेह न हो अगर उस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को अलाउ कर दिया जाए अलाउ कर दिया गया होता तो निश्चित रूप में लोगों में मत विश्वास या अविश्वास होता कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसने स्वयं की जानकारी के आधार पर अभियुक्त को अभियुक्त को गिरफ्तार करवाया है अपने ही कोर्ट में बुला करके उसका ट्रायल किया और उसको दोषिद्ध कर दिया तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं प्री कंसिप्ड नोशन होगा उसके मस्तिष्क में पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा और उस उसको सजा दे दिया होगा ज़्यादा दोष तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए देखें आप सी की धारा एक सौ ग के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि वह कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है नो वन नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है यह रूल अगेंस्ट बायस है पक्षपात का नियम माना जाएगा व्यक्ति बायस हो सकता है पक्षपात से यह पक्षपात पूर्ण निर्णय होने से रोकने के लिए ऐसी स्थितियों में यदि अभियुक्त तो आवेदन करता है तो भी और नहीं तो न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देगा जिससे कि उस मामले का निस्तारण किया जाए उस दैट 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 जुडिशल मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिसाइड दैट केस बिकॉज इट माइट ऐसा संभव है कि वह निर्णय निष्पक्ष नहीं होगा और जब ट्रायल निष्पक्ष नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो जजमेंट आएगा वह भी कहीं ना कहीं बायस्ड होगा पक्षपातपूर्ण होगा तो ऐसी स्थिति से मैंने आपको बताया कि धारा एक सी और एक सौ इक्यानवे वन नाइन्टी वन सी आर पी सी दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो ऐसे ये ये कुछ स्टैचूटरी प्रोविजंस हैं जिसको आपको ये देखना है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वे कौन से प्रावधान हैं जिन प्रावधानों को हम फेयर ट्रायल से जोड़ सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत वे कौन से प्रावधान हैं जो फेयर ट्रायल की बात करते हैं और फेयर ट्रायल से संबंधित हैं अब दूसरी तरफ आते हैं कि उच्चतम न्यायालय का क्या योगदान रहा भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने फेयर ट्रायल इंश्योर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे स्क्रीन पर आप देखें मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता खत्री बनाम बिहार राज्य केस लिखा है 1979 नीचे मैंने निर्णय क्या लिखा है जो तीन स्टेजेज हैं अन्वेषण जांच और विचारण ये तीन स्टेजे देयर आर थ्री इस डिफरेंट स्टेजेस इन क्रिमिनल इन क्रिमिनल केस तीन स्टेजेस होती हैं क्या इन्वेस्टिगेशन करना इंक्वायरी करना ट्रायल करना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा खत्री बनाम बिहार राज्य की केस में कहा गया कि अगर व्यक्ति निर्धन है गरीब है निर्धन व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया है तो वह तब तक निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए और उसे तब तक भी अधिकार प्रदान होने चाहिए मानव होने के नाते जो मानव होने के रूप में वह प्राप्त कर सकता है मात्र अपराध कर देने से वह मानव की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाता या मानव की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता इसलिए मानव होने के नाते उसकी कुछ स्वतंत्रताएं को कटिल किया जा सकता है उसकी कुछ स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती हैं परंतु जो बुनियादी जो बुनियादी अधिकार हैं जीने का अधिकार है उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता है कोई व्यक्ति निर्धन होने के कारण निर्धनता के कारण वह न्याय पाने से वंचित हो जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कहा गया कि अन्वेषण के स्तर पर जांच के स्तर पर विचारण तीनों के स्तर पर निर्धन व्यक्ति को भी सरकार के खर्चे पर न्याय प्राप्त करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल इक्कीस जीने के अधिकार का, का अभिन्न हिस्सा है हम जीने के अधिकार की कल्पना नहीं कर सकते यदि कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता है तो ये मैं बताने का जो प्रयास कर रहा था निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार खत्री बनाम बिहार राज्य के केस में आप उसको स्लाइड पर देखें नीचे मैंने लिखा है विधिक सहायता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 22 और सेक्शन 303 जीरो के अंतर्गत इस खत्री वसे स्टेट ऑफ बिहार के केस को हम भागलपुर ब्लाइंडेड पिजनर केस के नाम से भी जानते हैं इस केस को भागलपुर ब्लाइंडेड पिजनर केस के नाम से भी जाना जाता है जिसमें तथ्य इस प्रकार से थे कि कुछ व्यक्तियों को अपराध किए जाने के आरोप में पुलिस पूछताछ के लिए भागलपुर में लाती है पुलिस थाने में और उनको पूछताछ उस अपराध में अन्वेषण के दौरान अभियुक्तों के आंख में एसिड डाल देने से आँख की रोशनी उनकी सदैव के लिए चली गई चूंकि वह समाज के जिस तबके से आते थे गरीब थे निर्धन थे इसलिए उनको ये मालूम नहीं था कि उनके उनके कुछ अधिकार हैं कुछ राइट हैं उनकी तरफ से इस मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका के माध्यम से लाया गया और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह अनिर्णित किया कि ये अभियुक्त जिन्होंने अपनी आँखें आँखों की रोशनी सदैव के लिए खो दी यह पुलिस कस्टोडियल वायलेंस है पुलिस के द्वारा अन्वेषण के दौरान उन अभियुक्तों के आँख आ, को फोड़ देना आँख अन्वेषण के दौरान यह एक प्रकार से पुलिस एट्रोसिटी है कस्टोडियल वायलेंस है और इसे मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया कि पुलिस जितने भी पुलिस अधिकारी जितने भी पुलिस कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व थे उस घटना में उनको उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो व्यक्ति इसमें निर्धन है वे उन निर्धन व्यक्तियों को सरकार के खर्चे पर अन्वेषण के दौरान जांच के दौरान और विचारण के दौरान उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ये पहली बार 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है यह फेयर ट्रायल का निष्पक्ष विचारण के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं विधिक सहायता का अधिकार 303 जीरो के अंतर्गत मैंने आपको बताया ही अब इसमें देखते हैं एक केस है सी स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विचारण का अधिकार यह कैसे फेयर ट्रायल का मैंने उसमें नीचे लिखा हुआ स्लाइड पर देखें जस्टिस इसको इंग्लिश में ही जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड राइट टू इीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल जो राइट टू ट्रायल है दैट इज फंडामेंटल राइट किस केस में कहा गया स्लाइड के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया हुसैन आरा खातून वसे स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट न्याय यदि विलंब से होता है तो विलंब से न्याय न्याय न मिलने के समान माना जाता है इसलिए न्याय का शीघ्र मिलना संविधान की आर्टिकल इक्कीस से जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है इस बात की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुसैन आर खातून वर्स स्टेट ऑफ बिहार ई आई आर के बाद में निर्णित किया गया राइट टू स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विचारण का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार से कैसे जुड़ा हुआ है इसको आ, मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस केस में घटना क्या घटित हुई हुसैन आरा खातून कुछ लगभग सात महिलाएं ऐसी थीं विमेन प्रिजनर थी जो लंबे समय से विचाराधीन कैदी के रूप में बिहार के विभिन्न जेलों में आ, बिहार के जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में देवे आर इन जेल और वे अपने ट्रायल का वेट कर रही थीं कि उनका विचारण होगा चूँकि वे निर्धन थी गरीब थी अपने अधिकारों के प्रति वह वे, दे वेयर नॉट इन पोजिशन टू तो डिफेंड देमसेल्व वो अपनी निर्धनता के कारण अपने मामले को न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता नियुक्त करने की स्थिति में नहीं थी आर्थिक आर्थिक अभाव के कारण तो इसलिए लंबे समय से वह अपने विषाण का इंतजार कर रही थी इस मामले को आप सभी जानते होंगे मैं बार बार ये कहता हूँ जैसे पी का जनक जनहित याचिका का जनक माना जाता है जस्टिस पीएन एन भगवती को आप सभी जानते होंगे जस्टिस पी एन भगवती वैसे ही पीआईएल का जो मदर ऑफ पीआईएल इन इंडिया कहा जाता है वह श्रीमती कपिला हिंगोरानी को कहा जाता है बहुत से छात्र इस बात को मैं समझता हूँ कि इलम तक नहीं जान पाते कि हु इज़ मदर ऑफ़ पी आई एल इन इंडिया भारत में पी आई एल का जनक जन्मदाता ऐसे फाउंडर ऑफ पी आई एल कहा जाता है जस्टिस पी एन भगवती को लेकिन मदर ऑफ़ पी आई एल जो कहा जाता है वह श्रीमती कपिला हिंगोरानी को कहा जाता है यह मैं इसीलिए एक सूचना यहाँ भी यह भी बता दूं कि कपिला हिंगोरानी मदर ऑफ पी आएल, इसको कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हु इज मदर ऑफ पी कपिला श्रीमती कपिला कपिला हिंगोरानी के द्वारा उस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम इस वाद में यह निर्णित किया गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल यह संविधान की आर्टिकल इक्कीस का एक महत्वपूर्ण घटक है और यदि किसी भी आपराधिक मामले का शीघ्रतर विचारण नहीं होता तो उस वह उस अभियुक्त के संविधान के की आर्टिकल इक्कीस में प्रत्याभूत जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा जीवन के अधिकार का मतलब वह पशुत जीवन नहीं है एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है राइट टू लाइफ डजेंट मीन एनिमल एग्जिस्टेंस राइट टू लाइफ ओनली मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लिव विथ ऑल ह्यूमन डिग्निटी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार उसका अटकेले इक्कीस के, के अंतर्गत जीने का अधिकार है इसलिए इस केस में राइट टू स्पीडी ट्रायल को मौलिक अधिकार मानते हुए और किस संविधान के आर्टिकल अटकेलेक्कीस का आवश्यक घटक मानते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि स्पीडी ट्रायल भी शीघ्रतर विचारण का निष्पक्ष विचारण का एक महत्वपूर्ण घटक है अब इसके पश्चात आप देखें विधिक सहायता का अधिकार राइट टू लीगल एड स्क्रीन पर देखें राइट टू लीगल एड कैसे यह फेयर ट्रायल का निष्पक्ष विचारण का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यह मैंने संविधान के आर्टिकल 22 और तीन सौ तीन सौ के अंतर्गत बचाने का प्रयास किया है यह अपनी रुचि के अधिवक्ता से की नियुक्ति करने का विधिक सलाह लेने का अधिकार यह संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिया हुआ है यह सीआरपीसी की धारा 303 में दिया हुआ है और इस केस को हमने जो अभी जैसे बताया अजमल कसाब बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में देखा जा सकता है कि कैसे उसे विधिक सहायता राज्य के खर्चे पर उपलब्ध कराई गई यदि फ्री लीगल एड राइट टू फ्री लीगल एड यह भी फेयर ट्रायल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सभी जो महत्वपूर्ण घटक हैं वह कहीं न कहीं विचारण को निष्पक्ष बनाने के लिए सहायक माने जाते हैं अब इसको देखते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फेयर ट्रायल का वह देखें निष्पक्ष विचारण के लिए केस का ट्रांसफ़र किया जाना मैंने अभी ठीक इसके पहले व्याख्यान में आपको बताया होगा कि राइट टू फेयर ट्रायल एक मानवाधिकार ह्यूमन राइट है और निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय हित में वे सभी कदम उठाए जो जस्टिस इंश्योर करने के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 406 के अंतर्गत और धारा 407 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है मैंने इसमें लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस उद्देश्य क्या है फेयर ट्रायल इंश्योर करना जैसा कि मैंने बताया एक अभी ठीक इसके पहले इसको हम दो केस के माध्यम से देख सकते हैं मधुमिता मर्डर केस केस आप इसमें देखें अमनमणी एंड अदर्स वर्ष स्टेट ऑफ यूपी यूपी से उत्तराखंड राज्य को यह मामला ट्रांसफर हुआ इसको भी फेयर ट्रायल निष्पक्ष विचारण का ही एक ऐसे कंपोनेंट है और इस मामले में भी फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए पीड़िता की बहन के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मामला ट्रांसफ़र करना दूसरा मैंने बताया बेस्ट बेकरी केस है ज़ाहिरा शेख वर्ष स्टेट ऑफ गुजरात का केस जिसमें अभी ठीक पहले इसको मैंने बताया जाहिर से केस भी इस पर इम्पॉर्टेंट है जिसमें ट्रायल कोर्ट के द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी कर देना एक प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में डाउट क्रिएट करता है ठीक उसी प्रकार से जैसे मधुमिता मर्डर केस में अभियुक्त को अभियुक्त को चार्जशीट में न लाना और उसे दोषमुख करना एक प्रकार से डाउट क्रिएट कर दिया जब मामले को सीबीआई को रेफर किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले चा, 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 चा पहले उसका अन्वेषण कर रही थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उस प्रस्तुत मामले में अमरवनी केस में अभियुक्त को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त मानते हुए उसे बरी कर दिया गया था परंतु जब मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो सीबीआई ने उसी केस में चार्जशीट लगाई और उसी केस में सत्र न्यायालय के द्वारा कन्विक्शन हुआ मामले को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ट्रांसफर करते हुए हाईकोर्ट ने भी उसमें कन्विक्शन किया तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि फेयर ट्रायल के लिए दो इंपॉर्टेंट केस आप इसको देख सकते हैं कि कैसे फेयर ट्रायल इन दो केस के माध्यम से हुआ है अब इन सभी संविधिक प्रावधानों के पश्चात और संवैधानिक प्रावधानों के पश्चात एक एक देखने का प्रयास करते हैं कि इन प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में वे प्राव जो महत्वपूर्ण प्रावधान है मैंने संविधान के आर्टिकल बीस को बताया संविधान के आर्टिकल बाईस को बताया जो फेयर ट्रायल के लिए कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अब इसके अतिरिक्त तो जो फेयर ट्रायल के अन्य इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूट अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान स्टैचूट में दिए गए हैं विधि में दिए गए हैं उनको मैं सी के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत देखने का और बताने का प्रयास करूंगा। आप ये देखें कि ये न केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया ट्रांसफर करने का बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दिया गया है कि अगर जिला सत्र न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले में निष्पक्ष न्याय फेयर ट्रायल नहीं हो सकता फेयर जस्टिस नहीं हो सकती तो वह निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायालय भी अपने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कर सकता है मैंने ये बताया कि तीनों प्रकार के न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है केस ट्रांस क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने का हाई कोर्ट को पावर है क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर है तो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने का वह स्टेट चेंज कर सकता है एक राज्य से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को चेंज कर सकता है हाई कोर्ट को जो पावर है वह अपने ही अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को आपराधिक मामले का ट्रांसफर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो पावर दिया गया है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला सत्र न्यायालय है वह अपने ही अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो उसके ज़िले के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय हैं उन अभी अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों में मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है तो एक प्रकार से जो जिला न्यायालय है वह भी निष्पक्ष ट्रायल करने के लिए उसके समक्ष जो लंबित मामले हैं उसमें निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए वह भी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जिले एक जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है जिसके अभी आ, एक प्रावधान फेयर ट्रायल को लेकर के आ, मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस कहाँ से कहाँ एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से हो सकता है ये किसके द्वारा आवेदन किए जाने पर हो सकता है स्वाभाविक रूप से मैंने जैसा कि बताया सुप्रीम कोर्ट को अगर केस ट्रांसफ़र करना है तो सुप्रीम कोर्ट में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के द्वारा आवेदन करने पर या अपराध पीड़ित के द्वारा आवेदन करने पर अथवा सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा से किसी भी आपराधिक मामले का ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कर सकता है जहां पर उसे प्रतीत होता है कि उस राज्य में माम, उस आपराधिक मामले में निष्पक्ष न्याय होगा पुनः मैंने बताया कि यह न तो अभियुक्त का राइट है न तो अपराध पीड़ित का यह अधिकार है कि वह पूर्वक केस को ट्रांसफर की मांग कर सकता है या कर सकती है यह न्यायालय का डिस्क्रिशन है यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है साक्ष्य के आधार पर कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने से निष्पक्ष न्याय हो सकता है निष्पक्ष न्याय की संभावना है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अधिकार पूर्वक इसकी मांग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता ये न्यायालय का डिस्क्रिप्सन मैंने पहले बताया है सुप्रीम कोर्ट स्व प्रेरणा से भी ये संज्ञान ले सकता है हाई कोर्ट के समक्ष यदि हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी एक जिले के न्यायालय से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र करने से मामला हो सकता है निष्पक्ष हो सकता है तो वहाँ पर अपराध पीड़ित के आवेदन पर महाधिवक्ता के आवेदन पर या हाई हाईकोर्ट स्वप्रेरणा के आधार पर संज्ञान लेते हुए उस मामले को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कर सकता है तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो मैंने बताने का प्रयास किया कि निष्पक्ष ट्रायल में कौन कौन से ये स्टैचुट्री प्रावधान प्रासंगिक हैं इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सु, सुप्रीम कोर्ट के और भी कुछ अन्य केस हैं जिसका जिसको उद्धृत करना हम यहाँ चाहेंगे फेयर ट्रायल के लिए आप इसको देख सकते हैं कि आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले सॉरी ए आर अंतुले वर्सेज़ आर एस नायक का केस है वो भी फेयर ट्रायल से संबंधित केस है अब जो ट्रायल्स जो सी आर पी सी के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं की धारा एक सौ इक्यानवे में अभियुक्त के आवेदन पर मामले का ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पर अभियुक्त के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है अभियुक्त के आवेदन पर उस मामले का ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे न्यायालय में यस या सी आर पी सी की धारा एक सौ इक्यानवे के अंतर्गत तो वन नाइन्टी वन के अंतर्गत किया गया है तो ये कुछ प्रावधान हैं जो आपराधिक मामलों में फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बनाए गए हैं मैंने बताया कि यदि ट्रायल फेयर होगा उसके आवश्यक कंपोनेंट हैं यदि ट्रायल कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा मामले का ट्रायल कर दिया गया है जो उस मामले में विचारण की अधिकारिता नहीं रखता है तो वह विचारण तो निष्पक्ष नहीं होगा और उसके साथ ही साथ उसका प्रभाव शून्य होगा अपीली न्यायालय ऐसे विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर देगा शून्य कर देगा जो अधिकारिता के अभाव में अधिकारिता न रखते हुए किसी आपराधिक मामले में ट्रायल करता है और सजा देता है तो ये फेयर ट्रायल आ, के कंपोनेंट के अंतर्गत आप ये देखें कि धारा चार के अंतर्गत फोर्स सिक्सटी के अंतर्गत ट्रायल ऐसे मामले का विचारण करना जो ट्रायल कोर्ट उस मामले में ट्रायल करने की पावर नहीं रखता वह कार्रवाई न केवल अनियमित अनियमित होगी बल्कि अपास्त किए जाने योग्य भी होगा शून्य किए जाने योग्य भी होगा उसको ध्यान से देखना है ध्यान देना है तो चार फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत भी इस कार्रवाई को मैंने ये भी बताने का किया कि जो फेयर ट्रायल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कोर्ट का ओपन होना न्यायालय का खुला होना यह सीआरपीसी की धारा 328 के अंतर्गत है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है ट्रायल कोर्ट टू बी ओपन कोर्ट विचारण न्यायालय का खुले न्यायालय में होना खुले न्यायालय से तात्पर्य ओपन कोर्ट से तात्पर्य तादप यहाँ पे है कि प्रीमाइसिस का ओपन होना नहीं है ओपन कोर्ट का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि ट्रायल कोर्ट खुले ओपन कोर्ट के रूप में माना जाएगा किसी भी ट्रायल कोर्ट में हो रही कार्रवाई में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होकर के उसको देख सकता है कि वहाँ पर जो ट्रायल हो रहा है वह कितना फेयर है अथवा कितना अनफेयर है सिवाय उन अपराधों के जो मैट्रिमोनियल uh, अपराध हैं वैवाहिक अपराध हैं या जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं सेक्सुअल ऑफेंस में पीड़िता की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज न होने पाए इसलिए सेक्सुअल ऑफेंस और मैट्रिमोनियल ऑफेंस में ट्रायल जो है वह क्लोज कैमरे में इन कैमरा होगा बंद कार्रवाई होगी न्याल ऐसे जो लैंगिक अपराध होते हैं विवाह संबंधी जो अपराध की केस होते हैं उसका विचारण जो है वह क्लोज इन कैमरा प्रोसीडिंग होती इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि उसमें केवल और केवल संबंधित पक्षकार ही उस न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेते हैं बाहरी किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाता है जबकि नियमत साधारणतः किसी भी आपराधिक कार्रवाई में चाहे हत्या मर्डर का की केस क्यों के ना हो ओपन कोर्ट में होगा खुले न्यायालय में होगा कोई भी थर्ड पर्सन उसमें एक्सेस कर सकता है और न्यायिक न्यायालय की कार्रवाई को देख सकता है कि दोनों पक्षों को कितना सुना जाता है और दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात एक इसमें एक और महत्वपूर्ण केस में बताने का प्रयास जो प्री सेंटेंस हियरिंग है सत्र न्यायालय के समक्ष जब विचारण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सत्र न्यायालय किसी भी अभियुक्त को दंडादेश सुनाए जाने के पहले प्री सेंटेंस हियरिंग अपॉर्चुनिटी देता है अर्थात प्री सेंटेंस हियरिंग का मतलब सेंटेंस देने के पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना यह सेक्शन 235 थर्टी उपधारा दो में दिया गया है सीआरपीसी की धारा 235 उपधारा दो के अंतर्गत सत्र न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह किसी भी अभियुक्त को अंतिम दंडादेश सुनाए जाने के पूर्व दंड सुनाए जाने सेंटेंस सुनाए जाने के पूर्व उसे एक अवसर उसे एक अवसर प्रदान करना जिससे कि यदि अभियुक्त अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है कि दंडादेश की मात्रा को लेकर के सेंट जो क्वांटम पनिशमेंट है वह ज़्यादा है या कम है उसको लेकर आपत्ति करना चाहता है तो उसे एक अवसर प्रदान किया जाए उसके पश्चात उसको दंडादेश दिया जाए यह जो प्री सेंटेंस हियरिंग है सेक्शन 235 थर्टी उपधारा दो के अंतर्गत वह अभियुक्त के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि वह परिवार का एकलौता सदस्य है तो ऐसी स्थिति में सत्र न्यायालय दंडादेश की मात्रा को कम कर सकता है दंडादेश की मात्रा को दंडादेश देते समय जो उसकी क्वांटम है जो उसका परिमाण है कि उसके परिमाण को उस आ उसके जो अभियुक्त के सामाजिक आर्थिक कंसिडरेशन है उसको भी सत्र न्यायालय ध्यान में रखता है तो कहीं ना कहीं यह भी एक प्रकार से फेयर ट्रायल निष्पक्ष विषाण सुनिश्चित करने के लिए सत्र न्यायालय एक अवसर प्रदान करता है जिससे अभियुक्त यह न कह सके कि उसको प्री सेंटेंस हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई जो कि धारा 235 उपधारा 2 के अंतर्गत एक प्रावधान संविधिक प्रावधान किया गया है तो मैं समझता हूँ कि इन सभी प्रावधानों को डिस्कस करने के पश्चात जो फेयर ट्रायल से संबंधित हैं मैंने आपको यू की भी बात की कि फेयर ट्रायल कैसे यूनिवर्सल डिक्लेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में दिया गया है आर्टिकल दस के अंतर्गत और निर्दोषता की उपधारा क्या है फेयर ट्रायल की आवश्यकता तो क्या है मैंने सेक्शन 207 को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया मुझे ऐसा प्रयास मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि फेयर ट्रायल के जितने भी कंपोनेंट हैं जितने आवश्यक घटक हैं यदि आप सी और संविधान को मिला करके अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मैंने इसके अंतर्गत जो संविधान के आर्टिकल 21 है संविधान के आर्टिकल बीस के तीनों खंडों को संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी वन को संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी टू को और उसके साथ राइट टू फ्री लीगल एड को सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज को खत्री बनाम बिहार राज हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज अजमल कसाब की केस को यह पूरे पर्याप्त जो भी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि इतना अध्ययन करेंगे तो वह कोई भी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो फेयर ट्रायल से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूरी निष्ठा के साथ और सही करने का प्रयास करेंगे मुझे पूरा ऐसा विश्वास है तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैं अब मैंने निष्पक्ष ट्रायल का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो इम्पोर्टेंट केस मैंने बताने का प्रयास किया और इसके पश्चात मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी सूचना जितना भी हो सकता है फेयर ट्रायल को लेकर के वह संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से लेकर के भारतीय संविधान और फिर दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस उच्चतम न्यायालय के जो केस हैं और इसमें जो आधुनिक इम्पॉर्टेंट जो रिसेंट केस हैं सुप्रीम कोर्ट को उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया इस आशा उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूं। आपके सफल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद थैंक यू